जोश सा लगता था कि वर्दी फौजी टाइप की वर्दी पहनी है तो मैं उधर जाऊंगा, पुलिस की नौकरी छोड़ के मैं यहाँ, और अच्छी अच्छी जगह पर हमें जाने को मौका मिला। इसके अलावा हमें विदेश भी जाने का मौका मिला। मैं देखो BSF ने मुझे कहाँ कहाँ भेजा, अमरीका भेजा, वर्जीनिया में कोर्स करने भेजा, BSF ने मुझे बेल्जियम भेजा, BSF ने मुझे जर्मनी भेजा। BSF या किसी भी CAPF में आपको एंट्री लेनी है तो क्या तरीका है? जहूर अहमद जी का धन्यवाद कहूँगा कि जो अपने साथ बच्चों को यहाँ पर लाए और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल किया। कैसा लगा मूवी? अच्छा है, कुछ समझ में आया है या बोरियत लगी? समझ में आया? ओके गुड। किस किस को वर्दी पहने हुए फौजी अच्छा लगता है, चाहे वो BSF का हो चाहे आर्मी का हो? ऐसे क्या होता है, पूरा हाथ खड़ा करो या मत करो? अब सिर्फ मेरे कहने से कर रहे हो? अभी रावत साहब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया कि BSF में किस किस लेवल पे एंट्री होती है। तो मेरी एंट्री हुई थी 1993 में एज असिस्टेंट कमांडेंट। तो असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिसर रैंक पे आपको लिया जाता है, और आप सब हो सकते हैं। अगर मैं हो सकता हूँ तो कोई भी हो सकता है, हो सकते हैं ना। पढ़ाई करनी है, फिजिकल आपका अच्छा करना है। अब इसके फायदे क्या क्या, मैं अपना बताता हूँ मुझे क्या क्या फायदे मिले। मैं पहले पुलिस में भी था, दिल्ली, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। पहले दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, लेकिन यहाँ पर मुझे जब असिस्टेंट कमांडेंट मिल गया तो मुझे थोड़ा सा जोश सा लगता था कि वर्दी फौजी टाइप की वर्दी पहनी है तो मैं उधर जाऊँगा, पुलिस की नौकरी छोड़ के मैं यहाँ आ गया। और थोड़ा सा पहले ज़्यादा नहीं पढ़े, 12th तक ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़े, लेकिन उसके बाद पढ़ने का मन करने लगा। जब BSF में आए पढ़ने का मन करने लगा, तो इस तरह का वहाँ पे ग्रूमिंग होता है। एक होता है ना कि आपका परवरिश होता है, जब बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं माँ बाप उन्हें परवरिश देते हैं, परवरिश समझते हैं ना, तो वहाँ पलते बढ़ते हैं। ऐसे ही जब हम BSF में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डिफरेंट स्टाइल होता है, वो उस तरह से परवरिश करते हैं। तो हमें मौका मिला, उस परवरिश में हमें फ़ायदा मिला और हमें पढ़ने का मौका मिला। तो सबसे पहले आपने नाम सुना है बिट्स पिलानी, किसी ने सुना है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी राजस्थान में है ये। तो BSF की तरफ से हमें वहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया, हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया, 2 साल हमारी वहाँ पढ़ाई कराई। उसके बाद जब हमारी पढ़ाई हो गई तो हमें उस हिसाब से अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलने लगी और अच्छी अच्छी जगह पर हमें जाने को मौका मिला। इसके अलावा हमें विदेश भी जाने का मौका मिला। मैं देखो BSF ने मुझे कहाँ कहाँ भेजा, अमरीका भेजा, वर्जीनिया में कोर्स करने भेजा, BSF ने मुझे बेल्जियम भेजा, BSF ने मुझे जर्मनी भेजा। तो कई जगह मैं घूम कर भी आया, शायद मैं कहीं और उस पुलिस में शायद होता तो नहीं जा पाता ना। तो इस हिसाब से मुझे कई जगह बड़े बड़े एक्सपोजर मिले। और कश्मीर में मैं अभी इस लोकेशन में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, नया नया आया हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले बच्चों से मिला जाए, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। लेकिन 97 में मैं था, कुपवाड़ा में था, 97 से 2001 तक 4 साल मैंने यहाँ पर पहले नौकरी की है। तो आज के प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आपको पता चले कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है BSF या किसी भी CAPF में आपको एंट्री लेनी है तो क्या तरीका है। और इसी स्टेज पे अगर आप अपना माइंड सेटअप कर लें कि हमें जाना कहाँ है, तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। जैसे रावत साहब ने बताया था कि हमारी यूनिट में 6-7% J&K एंड लद्दाख रीजन के हैं, तो एक स्टेटस भी है आपका, आप एक इलीट फोर्स के मेंबर कहलाएंगे। अगर आपका मन है वर्दी धारण करने का, वर्दी पहनने का, और आपको लगता है कि ये चीज़ आपको टिटिलेट करती, मतलब जोश दिलाती है, तो मेरे ख्याल में हम लोगों को सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कश्मीर से बाहर घूमने गए हैं, हाथ खड़ा करो। कहाँ गए, कहाँ गए आप बताओ? हैं? अलीगढ़। चंडीगढ़ गए? अलीगढ़। अलीगढ़,
ओके कहाँ कहाँ अलीगढ़ में कहाँ मैं भी उसी जगह से बिलोंग करता हूँ मेरे रूट्स वहीं के हैं सरसेद नगर ओके आप कहाँ गए मुंबई कहाँ गए थे कितने दिन घूम कर आए पंद्रह दिन घूम कर आए कहाँ गए थे लोनावला लोनावला कहाँ